नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। 12 साल एक शहर तीन शादियां सुनकर हैरान हो जाएंगे। बिना तलाक के एक महिला ने तीन शादी की, जिसमें तीसरे पति पर छोड़ने का आरोप लगाया तो दूसरे पर रेप का आरोप। मामला सीतामढ़ी का है, जहां एक महिला के तीन तीन पति हैं और सभी एक ही जिले में हैं। 12 साल में बगैर तलाक के तीन शादियां की बड़ी बात यह है कि दो पति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तीसरे पति पर महिला ने छोड़ देने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे पर रेप केस कर रखा है। महिला पर आरोप है कि उसके पास दो आधार कार्ड है, दोनों में उसका सरनेम अलग है, साथ ही पति का नाम भी अलग अलग है। बताया जा रहा है कि महिला का नाम सुनीता कुमारी है, जिसकी पहली शादी बेला थाना क्षेत्र के राजबाड़ा मंझौरा गांव के लक्ष्मेश्वर पासवान से 2010 के 7 मार्च को ही थी, जिसके बाद एक बच्चा भी हुआ जिसकी उम्र अभी 10 साल है। पहले पति को छोड़ने के बाद महिला ने दूसरी शादी सुरसंड थाना क्षेत्र के श्रीखंडी भिंटा गांव के विमलेश कुमार सिंह से की। कुछ दिन बाद उसने विमलेश पर रेप केस दर्ज कराया, जो कि अभी केस में लंबी चल रहा है। इसी बीच सुनीता ने रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के मानिक चौक निवासी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के बेटे अविनीश कुमार पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं शिकायत में सुनीता ने शादी और रिलेशन बनाने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि एक बार अविनीश और सुनीता संदिग्ध स्थिति में पकड़े गए थे। महिला ने बाहर जाकर दोनों के अलग अलग रहने की बात पर थाने के बॉन्ड पेपर पर साइन करने को कहा। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में उसके घर तक पहुंची है। आरोपी के बड़े भाई आलोक ने जब पता कराया तो महिला के दो आधार कार्ड मिले। इतना ही नहीं, कोर्ट में लंबित केस का भी पेपर मिला। बताया जाता है कि महिला और अवनीश लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन अचानक महिला ने मांग में सिंदूर भर युवक पर शादी का आरोप लगाया। अवनीश के भाई को जब सच का पता चला तो अब वह पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों आधार कार्ड पर पहले के दोनों पतियों का नाम दर्ज है। हालांकि महिला ने अवनीश पर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना तलाक के तीन शादी, क्या ये जायज है? क्यों ना इस महिला के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।